मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सखा, आपका सलाहकार नंद किशोर तिवारी। दोस्तों आज मैं एक ऐसा स्टॉक लेकर के आया हूँ जो कॉन्ट्रा कॉल के तौर पे मैं अपने इन्वेस्टरों को दे रहा हूँ। ये वो इन्वेस्टर हैं जो हमारे पैर मेंबर हैं। दोस्तों स्टॉक का नाम है MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। स्टॉक की जो अभी जो प्राइस चल रही है वो 14.87 रुपए का है और आज के दिन में 14.47% का ऊपर की तरफ है। दोस्तों इसका जो प्रीवियस क्लोजिंग था वो 12.99 रुपए का था और डे हाई की बात करेंगे तो 15.20 रुपए इसका डे हाई है और 14.10 रुपए इसका डे लो है। दोस्तों अगर 52 वीक हाई की देखते हैं तो 15.20 रुपए इसका 52 वीक हाई है जो आज ही लगी है और 52 वीक लो की बात करेंगे तो 5.55 रुपए का इसका 52 वीक लो है। दोस्तों मार्केट कैप इसका 936.81 करोड़ का है। दोस्तों ये वो स्टॉक है जो दिल्ली और मुंबई जैसी महानगरों में लाइफ लाइन कही जाती थी, लेकिन जो समय से नहीं चलता है उसका परिणाम क्या होता है वो एक मिसाल नोकिया और एंटीनर आपके सामने है। उसके बावजूद भी जो इसके पास एसेट है, जो इसके पास प्रॉपर्टी है, जो इसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी इतनी अच्छी वैल्यूएशन है मार्केट में जो कमर्शियल प्लेस पे है, जिसकी वैल्यूएशन मुझे लगता है कि एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर को कॉन्ट्रा हिसाब से आपको रखना चाहिए। मैं डेफिनेटली इसमें आपको कुछ छोटे समय के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं। यहां से आपको 25-50% तक का आने वाले कुछ समय में आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर पीई रेशियो की बात करते हैं तो -0.22 का है और ईपीएस इसका -58.66 का है। दोस्तों अगर सेल्स देखते हैं, सेल्स जो रुपीज है करोड़ में है 321.26 करोड़ का है और फेस वैल्यू इसका 10 रुपए पर स्टॉक के रेट में है। दोस्तों अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन का देखते हैं तो -240 का इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन है। रिटर्न ऑन एवरेज इक्विटी अभी स्टेटस सो हाई नहीं इसका, लेकिन फिर भी दोस्तों मेरा मानना है कि कॉन्ट्रा कॉल मेरे तरफ से आप जरूर ले लीजिएगा। इस कॉन्ट्रा कॉल में आगे आने वाले कुछ महीनों और कुछ हफ्तों में या कुछ समय और लग सकता है। मेरा टारगेट 1-2 साल का रहेगा। यहाँ से 25-50% का आपको एप्रिसिएशन इस स्टॉक में देखने को मिलेगी और जब भी आपका अपना टारगेट इसे पूरा हो जाए निश्चित तौर पे आपको इस स्टॉक से ट्वीट कर लेना चाहिए। दोस्तों एक लॉन्ग टर्म का स्टॉक नहीं है, एक शॉर्ट टर्म का स्टॉक है और इस स्टॉक के ऊपर मेरा कॉन्ट्रा कॉल है, इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों इसी के साथ में स्टॉक पे चर्चा कार्यक्रम को मैं समाप्त करता हूं और आपसे आज्ञा लेता हूं और आप जो प्यार और आशीर्वाद हमारे प्रति बना के रखे हुए हैं वो आगे भी जारी रखें। इन्हीं आज्ञा और उम्मीदों के साथ में जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय।